गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो अपक्षय है, अपक्षय का अपन तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कि जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है, और जैविक अपक्षय के अलावा अपन दो तीन अन्य महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि इसके बारे में, कि अपक्षय के बारे में। फिर अपन बात करेंगे वहत सरण या जो सामूहिक स्थानांतरण होता है, जैसे चट्टानों का, मिट्टी का, या भूस्खलन कहते हैं अपन उसको, या भूमि सर्पण कहते हैं, वो अलग अलग नाम है इनके। वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तो अपन बात करेंगे कि जो मुख्य रूप से जो सामूहिक संचरण किस प्रकार से होता है, या जो जैविक अपक्षय है उनको कौन कौन से जो कारक है प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय का अगर साधारण शब्दों में, अगर मैं एक ही लाइन में बात करूं सामान्य रूप से, तो जो अपक्षय यानी किसी भी चट्टानों को अगर मानव द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा या पेड़ पौधों के कारण से अगर उन चट्टानों का अपरदन हो रहा है, तो वो आपके जैविक अपरदन होता है। क्या होता है? जैविक अपरदन। मानव द्वारा, जीव जंतु द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा, या जो छोटे मोटे अपन कह सकते हैं जो जानवर होते हैं, खरगोश वगैरह, नेवला वगैरह, उनसे। तो यह है आपका मुख्य रूप से जैविक अपरदन। अब बात करते हैं जैविक अपक्षय। जो जैविक यानी भूपटल पर अनेक प्रकार के जीव, यानी भूपटल पर कई प्रकार के जो जीव है और जंतु और वनस्पति, इनके द्वारा अगर कहीं अपक्षय होता है या ये अपक्षय करने में संलग्न रहते हैं, तो इस प्रकार के जो अपन कहते हैं चट्टानों के टूटने की क्रिया को जैविक अपक्षय कहते हैं। जहां पर जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, मानव प्रजाति का हाथ होता है अगर चट्टानों को तोड़ने में, तो उसे अपन कहते हैं जैविक अपक्षय। फिर अपन बात करते हैं, अब जैविक अपक्षय के जैसे अपन अलग अलग भागों में मैं बांट के आपको बता देता हूं कि वनस्पति द्वारा अपक्षय किस प्रकार। अब सर, पेड़ पौधे किस प्रकार से जर मिट्टी का अपरदन करते हैं? आपने तो बता दिया कि हाँ, जैविक अपक्षय होता है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के द्वारा भी। अब पेड़ पौधों के द्वारा किस प्रकार से होता है? जैसे अपन पेड़ पौधों को काट देंगे, तो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं जमीन के अंदर, वो जकड़े हुए रहती है मिट्टी को। अगर पेड़ पौधों को उखाड़ देंगे, तो वो जहां से जो मिट्टी जमी होती है, जमी हुई होती है पेड़ों के नीचे वाले भाग पर, उस पर दबाव रहता है, तो वो मिट्टी अपरदित नहीं होती है, अपक्षय नहीं होती है। लेकिन जब पेड़ पौधों को काट देंगे या पेड़ को उखाड़ देंगे, तो उसके कारण जो मिट्टी है वो उसके कण अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से जो अपक्षय होता है, जैसे विभिन्न वृक्षों की जड़ें सेलों में प्रवेश करके उनके कणों को ढीला कर देती है। जो भी कोई चट्टान है वहां पर अगर पेड़ उगा है या पेड़ जहां पर पनप रहा, तो उसके नीचे की जो चट्टान होती है ना, उसकी जड़ें हैं उसको क्या कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है चट्टान में। और जैसे कभी आप नहीं देखते हो कि कहीं पर भी मकान है, मकान के जो ऊपर वाले पोर्शन में, वहां पर भी कहीं आपको पीपल के वृक्ष वगैरह, छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। अब वो उनकी जड़ें अंदर जा रही है मकान के अंदर, तभी तो वो उगे हैं। या अपन कहते हैं जैसे कहीं भी मकान के दीवार के सहारे या कहीं चट्टानों के सहारे जब पेड़ पौधे उगते हैं, तो जब वो बड़ा होते हैं, तो धीरे धीरे उनका आकार क्या होता है, पास पास में से वो उनको दरारों के रूप में उनको ढीला कर देते हैं, उन चट्टानों को क्या करते हैं, असंगठित कर देते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें है वो चट्टान को क्या कर देती है, असंगठित कर देती है। इसके कारण जो अपरदन या अपक्षय होता है, उसको अपन कहते हैं वनस्पति द्वारा अपक्षय। फिर अपन बात करते हैं जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। अब जीव जंतु किस प्रकार अपक्षय करते हैं? जैसे कोई भी चट्टान है, जैसे अपन बात करते हैं जो मरुस्थलीय चट्टाने वगैरह होती है, मरुस्थलीय जो रेतीले टीले वगैरह होते हैं, वहां आप जब जाओगे कभी देखना, तो थार के मरुस्थल में आपको कई सारे जो बिल होते हैं, यानी टीलों के अंदर बिल मिलेंगे आपको, यानी छेद, होल। वो किसके द्वारा किए गए? खरगोश के द्वारा, नेवले के द्वारा, या चूहों के द्वारा, या ऐसे कई अन्य जानवर है जो जमीन में बिल बनाकर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा। तो वो क्या करते हैं, जब जमीन को खोद देते हैं, चट्टानों को खोद देते हैं, तो वहां की जो चट्टानें होती है, जमी हुई मिट्टी, उसको उखाड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं, असंगठित कर देते हैं, जिसके कारण जो अपरदन अपक्षय होता है वही आपका अपक्षय कहलाता है, जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। तो ये हो गया आपके जीव जंतु, जैसे केंचुआ है, दीमक है, चूहे हैं, या अपन वो बात करेंगे जैसे खरगोश वगैरह है, और भी कई जानवर है जो रेत को खोद देते हैं, तो उसके द्वारा। फिर बात करते हैं मानव द्वारा अपक्षय। अब मानव किस प्रकार से अपक्षय करता है, यानी मानव पर्यावरण को हानि तो पहुंचाता है, ये आप सबको पता है,
तो मानव क्या करता है, जब मानव की जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे खनिज वगैरह चाहिए होता है, मिट्टी वगैरह चाहिए होती है, तो वो क्या करता है, खनिजों का खनन करता है। इसका मतलब जो चट्टान थी, जो जमी हुई चट्टान थी, उसको मानव क्या करता है, तोड़ देता है, उसको असंगठित कर देता है। जैसे अपन नहर बनाते हैं तो जहाँ खई खोदनी होती है, जैसे गहराई में खोदना होता है खड्डा, तो उसको अपन क्या करते हैं, खोद देते हैं, वहाँ जो जमी हुई परत होती है उसको असंगठित कर देते हैं। अपन सड़क बनाते हैं तब अपन मिट्टी को ऊपर से हटा देते हैं परत को। अपन सुरंगे बनाते हैं, अपन खान खोदते हैं, जैसे कोयले की खान खोदी, जैसे मानो कोयले का खनन कर रहा है, तो ये जो मिट्टी की ऊपरी परत है इसको क्या कर रहा, मानो हटा रहा, इसको असंगठित कर रहा, इसको खोद रहा, इसका खनन कर रहा है। तो यही जो मानव द्वारा किया जाने वाला खान निर्माण है या अन्य कार्यों में, जैसे मकान निर्माण है, जो निर्माण कार्य होते हैं, उनमें जब असंगठित मिट्टी की जो चट्टानों को असंगठित किया जाता है मानव द्वारा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जैविक अपक्षय का मानव द्वारा अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव द्वारा अपक्षय। तो ये इस प्रकार से जैविक अपक्षय में अपन ने तीन पढ़ा, एक तो वनस्पति द्वारा अपक्षय, एक जीव जंतु द्वारा, और एक तीसरा अपन ने पढ़ा मानव द्वारा अपक्षय। अब अपन बात करते हैं अपक्षय का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, शीत जलवायु, टुंड्रा जलवायु, तो इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वहां पर कौन सा अपक्षय सर्वाधिक होगा। तो अपन बात करते हैं, दो चार टॉपिक है, दो चार लाइन में आपको बता देता हूं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थायी हिमा आच्छादन के कारण अपक्षय की क्रिया नहीं होती है। अब यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पर हमेशा हमेशा क्या रहता है, स्थायी जो हिम रहता है, यानी बर्फ की जो मोटी चादर रहती है, ढका हुआ रहता है बर्फ से, तो वहां पर तो बर्फ को इतना कौन हटाएगा और वहां से कौन खनन करेगा, न जीव जंतु उनको खनन कर सकते, क्योंकि मोटी परत है बर्फ की और इतनी कठोर परत है जो नहीं हटा सकते कोई जीव जंतु या मानव द्वारा, हटाना असंभव है, जैसे अपन कह सकते हैं असंभव है। तो इसके द्वारा क्या होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का अपक्षय नहीं होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये आपको ध्यान रखना। आपको पूछ लेंगे कि भौतिक अपक्षय ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, शीतोष्ण क्षेत्रों में होता है, उष्ण क्षेत्रों में होता है, या नदी तटों पर होता है, या स्थलीय भूमि पर होता है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर नहीं होता। दूसरी बात, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक एवं भौतिक अपक्षय दोनों प्रकार के होते हैं। अब जहां मानसूनी जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार से, जैसे अपन बात करते हैं भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है, मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब वर्षा नहीं होगी, तो या अपन कहेंगे जब मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होगी, तो उस क्षेत्र में भी जो क्या होता है, खनन कार्य हो जाता है, अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की जो क्रिया है वो रासायनिक क्रिया किस प्रकार से होगी, यानी जब जल की मात्रा होगी, तो वर्षा के समय में जब अगर मरुस्थल में कहीं पर भी अपक्षय होता है तो वो हो गए रासायनिक अपक्षय। या अगर अपन कहेंगे कि वर्षा के दिन में नहीं, और अगर शुष्क क्षेत्रों की बात की जाए, वहीं पर मरुस्थल में जब बारिश नहीं होती है, तो उस समय जो ताप और दाब की क्रिया है वहां पर सर्वाधिक होगी, यानी दिन का तापमान अधिक और रात को बिल्कुल ठंडा होगा। तो वहां पर जो ये क्रिया बार बार चलती रहती है, तो क्या करती है, चट्टानों को तोड़ देती है। तो इसके कारण अपन कह सकते हैं जहां दैनिक तापांतर सर्वाधिक होगा वहां पर भौतिक अपक्षय होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, जो मानसूनी क्षेत्र, अपन मानसूनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मानसूनी क्षेत्र होगा वहां पर हमेशा आपको क्या मिलेगा, भौतिक और रासायनिक अपक्षय दोनों प्रकार का अपक्षय होता है। फिर अपन बात करते हैं शीत एवं शीतोष्ण। जैसे अपन बात करते हैं शीत और शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय की क्रिया नहीं होती है। जैसे अपन बात करते हैं जो ध्रुवों के पास का जो क्षेत्र होता है शीत क्षेत्र, या अपन शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, तो वहां पर भौतिक अपक्षय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहां पर जैसे रासायनिक अपक्षय तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो बर्फ है कभी कभी पिघल कर वो जल की मात्रा आ जाती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। तो वहां जल, जो रासायनिक अपक्षय होता है उसमें जल की मात्रा अनिवार्य है, लेकिन भौतिक अपक्षय वहां नहीं होता है, क्योंकि वहां बर्फ जमी हुई रहती है, वहां इतना ताप दाब का कोई असर नहीं पड़ता। फिर अपन बात करते हैं उष्ण व शुष्क। अब देखो अगर उष्ण के साथ में शुष्क है, तो वहां पर उष्ण एवं शुष्क जलवायु क्षेत्रों में दैनिक तापांतर अधिक होने के कारण यहां पर भौतिक अपक्षय अधिक होगा। यहां पर भी मानसून क्षेत्रों में भी जहां दोनों प्रकार का था, तो भौतिक अपक्षय आपको ध्यान रखना है, दैनिक तापांतर आएगा, दैनिक तापांतर अधिक होगा, दिन का तापमान अधिक, रात का तापमान कम,
तो वहां पर कौन सा अपक्षय होगा? आपके भौतिक अपक्षय होगा। फिर अपन बात करते हैं एक और लाइन, उष्ण व आद्र। देखो वहां पर शुष्क था, तो शुष्क में मैंने आपको बताया जहां पर जल की मात्रा नहीं होती है वहां पर भौतिक अपक्षय होता है, जहां जल की मात्रा होती है वहां रासायनिक अपक्षय होता है। जैसे अपन बात करते हैं ये वाला, उष्ण के साथ में आपके साथ में यहां आद्र है, आद्र का मतलब पानी की मात्रा, तो उष्ण एवं आद्र जलवायु वाले क्षेत्र, जैसे विषुवतीय जो क्षेत्र होता है, विषुवत रेखा पर हमेशा बारिश होती है, 2 बजे के बाद में अपन कहते हैं सेवनीय वर्षा द्वारा हमेशा बारिश होती है, तो वहां पर तापमान भी है, गर्मी भी है और आर्द्रता भी है, तो वहां पर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर उष्ण और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में चूना पत्थर की अधिकता वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। जहां पर चूना पत्थर की जो चट्टाने वगैरह पाई जाती है, अपन कह सकते हैं कि जो उष्ण विषुवतीय क्षेत्र है वहां पर आपके रासायनिक अपक्षय होता है। तो ये थे कुछ रासायनिक अपक्षय से संबंधित और भौतिक अपक्षय से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने। अब अपन बात करते हैं जो वहत सरण होता है या जो सामूहिक सरण होता है, इसको अपन किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो वहत सरण या सामूहिक सरण, यानी जो चट्टानों का हटना, स्थानांतरण कह सकते हैं, इस क्रिया के अंतर्गत मृतिका यानी जो मिट्टी किसी भी भूखंड की ऊपरी परत, यानी कोई भी जो चट्टान है उसकी ऊपरी परत, जैसे अपन बात करते हैं ये कोई चट्टान है, मान लो ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान, इसकी ऊपरी परत, यहां से अगर मिट्टी टूटकर यहां नीचे आ रही है ऊपरी परत, देखो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मृतिका किसी भी भूखंड की ऊपरी परत अर्थात इसका आवरण संस्तर और सेल मलबे और गुरुत्वाकर्षण के कारण या के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींचकर नीचे की ढाल की ओर लाया जाता है मिट्टी को, यानी जो यहां पर जो मिट्टी है, यहां की जो मिट्टी है ये किसी भी कारणवश से मान लो टूट गई है, यहां से अपरदन होकर सीधी कहां आ गई, नीचे इस क्षेत्र में सामूहिक रूप से यानी अधिक मात्रा में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उच्च भाग से निम्न भाग की ओर आना, या अपन कहेंगे जो ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर गुरुत्वाकर्षण क्रिया। अपन कहते हैं ना जो पृथ्वी, जैसे अपन में ये पेन, ये पोला है, इसको मैं फेंकूंगा तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षण होगा, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण है, इसको जो भार के कारण इसको नीचे की ओर लाने का काम करता है। तो यहाँ जो पहाड़ी ढलानों वाला क्षेत्र होता है, जो चट्टानी ढलानों वाला क्षेत्र होता है, वहां की मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे वो नीचे की ओर आने लग जाती है, इसी को अपन क्या कहते हैं, वहत सरण कहता है। जब मिट्टी का बड़े मात्रा में या सामूहिक रूप से अधिक मिट्टी का जब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना ही अपन क्या कहते हैं, वहत सरण कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं यह चट्टानों के उच्च भाग से निम्न भाग की ओर होता है, यह चट्टानों के उच्च भाग से निम्न, यानी ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर होता है, तो यह होता है उच्च भाग से निम्न भाग की ओर। देखो अब यह जो वहत संचलन है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक तो धीमा वहत संचलन जिसको अपन मंद संचलन कहते हैं, मंद यानी धीमा, मंद संचलन, और एक कहते हैं अपन द्रुत। द्रुत का मतलब होता है तेज गति से, क्या होता है द्रुत का मतलब, तेज गति से अगर संचलन हो रहा। जैसे देखो अब वहत संचलन भी 2-3 प्रकार का, अलग अलग प्रकार का है। जैसे मैं बात करूं मृदा सर्पण, मृदा यानी जो मिट्टी का परत का नीचे की ओर खिसकना, फिर होता है सेल संचलन यानी कोई भी चट्टान का नीचे की ओर खिसकना, एक होता है ढाल मलबा यानी कोई भी मलबा है, जैसे कोई द्रव्य पदार्थ के रूप में दलदली क्षेत्र का जो कोई मलबा वो उसका नीचे की ओर खिसकना। फिर अपन बात करते हैं मृतिका सर्पण, यानी जो शीत प्रदेशों में होता है, जो ठंडे प्रदेशों में होता है, जो चट्टानी भाग का एक ऊपरी भाग से नीचे की ओर खिसकना, उसको अपन क्या कहते हैं, मृतिका सर्पण कहते हैं। तो ये तो क्रिया हो गई जो मंद संचलन के कारण मृदा सर्पण है, या अपन कह सकते हैं शेर सर्पण है, दाल मलबा है, या मृतिका विसर्पण है, सर्पण है। तो ये तो हो गई आपके यहां मंद ढाल में। अब अपन तेज गति से जब होगा, अगर मलबे का जो ऊपर से नीचे की ओर आना अगर तेज गति से कार्य हो रहा, तो वो मुख्य रूप से द्रुत संचलन कहलाता है। ये भी 2-3 अलग अलग प्रकार है, जैसे नाम दे दिया मृदा यानी मिट्टी का तेज गति से नीचे की ओर आना, फिर भूस्खलन कोई भी बड़ी चट्टान का नीचे की ओर धीरे धीरे खिसकना, फिर हो गया भूमि सर्पण, किसी भी भूमि का अपन कह सकते हैं दरार हो जाना कहीं पर, जैसे कोई पर्वत चट्टान है तो यहाँ की कोई बड़ी चट्टान है वो इस प्रकार से टूट कर नीचे आ गई, यानी ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं पंक परवा। अब ये पंक परवा क्या होता है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देखो, पंक परवा का मतलब क्या होता है, जब इसमें पंक परवा में क्या होगा, जब इसमें वर्षा जल मलबा और सेल तीनों सामूहिक रूप से होंगी क्रिया, तो इस प्रकार को अपन क्या कहेंगे, पंक प्रवाह कहते हैं। जैसे
वर्षा जल के साथ में कोई शेल या चट्टान टूटकर मलबे के रूप में आएगी। ये कोई चट्टान है जब वर्षा जल के साथ में ये मलबे के रूप में टूटकर नीचे की ओर आना, उच्च भाग से नीचे की ओर आना, निम्न भाग की ओर आना क्या कहलाता है आपका? मलबा या पंकस प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? पंख प्रवाह। तो जो सामूहिक संचलन होता है मैंने दो प्रकार से बताया, एक तो होता है वहत संचलन यानी मंद संचलन और एक होता है तीव्र संचलन जिसको अपन द्रुत संचलन भी कहते हैं। फिर इनमें चट्टानों का, मिट्टी का भूस्खलन या अपन और कुछ कह सकते हैं जिनका मैंने आपको मुख्य रूप से बताया। थैंक यू।